मेरा नाम मोहम्मद अरसलान कासिम है। हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम उनका काम 2 मिनट में भी कर सकते हैं, मैं उनसे पैसे पहले तय हो चुके होते हैं, मगर उन्हें 2 घंटे बाद बुलाते हैं। अगर 2 मिनट अगर फौरी तौर पर दे दें तो मुतमईन नहीं होते, और अगर 2 घंटे बाद बुलाते हैं तो मुतमईन हो जाते हैं। ऐसा करना कैसा है, सही है या नहीं? काम 2 मिनट का है, लेकिन अगर 2 मिनट में कर देंगे तो ग्राहक अड़ी करेगा कि ये 2 मिनट का काम क्या आपने 200 रुपये ले लिए, इतने पैसे ले लिए, तो वो 2 घंटे का टाइम देते हैं। 2 घंटे बाद आना तो तुम्हें ये धक्का खिलाते तुम हैं। धक्का खिलाते ग्राहकों का भी तो मसला है, ये नफसियाती तौर पर ये आसानी से काबू आता नहीं है ग्राहक। अब इसमें झूठ भी तो बोलते होंगे ना, भाई इसमें काम करना पड़ेगा, स्क्रू खोलने पड़ेंगे, ऑयलिंग करनी पड़ेगी, बहुत पहले से रखे हुए हैं, टाइम दिए हुए हैं, ऐसा कुछ ना। अब ये जितना इसमें झूठ बोलता जाएगा, इसमें बिगाड़ आता जाएगा। बाबा। मेरा लैपटॉप नाराज हो गया, बिल्कुल साव साव रिसा गया ना, कोई कोई सूरत जवाब ना देवे। अब मैं बोलूँ जी, जब कुछ कुछ तो करे ही है, मैं ये हो गया होगा, ये हो गई, किसी को दिखाया बाबा, उसने जो कुछ किया ना, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो शायद उसको 1 मिनट क्या, शायद आधा मिनट भी, 1 मिनट लगा होगा इसको, मतलब कि इसको सेट कर दिया इसने ना। अब मैं भी ये सोचता था कि ये काम किया इसने, मतलब कोई ऐसा खास था नहीं, वो कारीगर आदमी था, उसने उसको थोड़ा हाथ लगाया, वो सेट हो गया, तो वो सेट हो गया। लेकिन वाकई अगर ये आम ग्राहक के साथ हो ना, तो अब वो बोले ना कि मेरे को आप इसके मतलब के 2,000 रुपये दे दीजिए, तो आम ग्राहक की समझ में 2,000 रुपये देना आएगा नहीं, 1,000 रुपये दे दीजिए आएगा नहीं, वो लाजमी तो वो इसका लैपटॉप रखेगा, बोलेगा कल आइएगा, वो समझ तो गया होगा। मस्जिद ग्राहक चिकना होगा तो उसको बोलेगा और तब अभी शाम को आना, ताकि उसको पूरा इम्प्रेशन डाले। और यार अभी वो एक पुर्जा मिला नहीं है, तो मैं जरा वो तलाश कर रहा हूँ, वो दूसरी मार्केट में भेजना पड़ेगा, तो लगा दूंगा, फिक्र नहीं करो, शाम को पक्का, वरना सुबह तो फाइनल, समझे? तो इस तरह ये सुबह शाम करके धक्के खिलाते होंगे, तो इसमें जितना झूठ बोलेंगे ना इतने गुनाहगार होंगे। तो झूठ तो नहीं बोला ना नहीं, हाँ धोखा भाई नहीं साहब, है ये। एक पापा ये इसमें यूं नहीं है कि अगला इसको पता है 2 मिनट का काम है ना, नहीं यार इसमें जो है ना काफी काम करना पड़ेगा। ये जुमले इनके होते हैं ना, वो ऐसे नाम ले रहे होते हैं पुरुषों के, हमें थोड़ी पता होता है कि ये क्या नाम ले रहा है। वो वाकई हो गए ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ क्या हमको कुछ नाम सिखाना दे जिसमें ये झूठ भी ना बोले, मतलब कोई इसके ऑल्टरनेट नाम, मिसाल के तौर पर कि आप इसको रख दीजिए, 2 घंटे के बाद आ जाइएगा, कल आ जाइएगा। वो कहेगा मुझे आज नहीं मिल सकता, ठीक है फिर आप शाम को आ जाइएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि शाम को आपको दे दूँ, कोई ऐसे मतलब अब वही के। ये सही है जुमले, कि इसमें ये ना बताए कि मैं क्या करूंगा, करे ही शाम को फिर। और क्या, अब झूठ और मतलब ऐसी कोई चीज ना हो जिससे वो हो जाए। अब कहते ना वो नफसियाती तौर पर उसको चलाना, जैसे डॉक्टर मरीज को बातों का चलाते हैं। मरीज को ये जब मरीज जाता है ना, इसको पता होता है कि इसको कौन सी टेबलेट देनी है, कौन सी टेबलेट लिखनी है, बाजू का पता चल जाता है। लेकिन वो यहाँ पीठ बजाएगा इसकी, वो स्टे तो इसको भूंगड़ा लगाएगा कान में, उंगलियां मारेगा, समझे, थोड़ा पेट दबाएगा उसका, दो लंबे चार लंबे सवाल सांस करेगा, और वही टेबलेट लिख के इसको भेज देगा। भी दिलवा डॉक्टर साहब देंगे, ने बड़ा अच्छा चेक किया मेरे को, बड़ा मुतमईन किया। सांस भी दिलवा देंगे, सांस लो जोर जोर से। अच्छा ये नहीं कि सारे एक अंधी चलाते होंगे, जरूरत भी होती है ये नहीं, ये चेक करने की। अब ये वो ट्रीटमेंट है जो आप फरमा रहे ना, ये जब मैंने डॉक्टरों का वो बयान किया था ना, तो ये इनका बेसिक ट्रीटमेंट है जो हर डॉक्टर को हर मरीज का करना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई रह जाए जी। और उसका वो डायग्नोस गलत हो जाए। ये चंद मखसूस चीज़ें हैं जो शायद इनकी उसमें लिखा हुआ है कि हर डॉक्टर ने हर मरीज को करना, या नहीं करेगा तो ऐसा ना हो कि वो धोखा खा जाए। मगर ये दुरुस्त है कि अगर डॉक्टर बिल्कुल ये नहीं नहीं हाथ लगाता ना साओ, तो ऐसा लगता है कि यार ये बिल्कुल तो लिफ्ट ही करा डॉक्टर ने यार। अंदाजा होता है कि जो दवा देनी है पहले से, लेकिन वो थोड़ा इससे नफसियाती तौर पे मुतमईन हो जाता है, अगरचे वो चेक करना उसका जरूरी है। तो थोड़ा ग्राहक को भी ना बाबा, ये दुकानदार को नफसियाती तौर पर डील करना पड़ता है बाजों का, जिसमें वो झूठ से धोखे से और इस तरह फरेब से बचकर करे, तो नहीं तो ग्राहक नहीं बाबा हाथ रखने जी देता। जी और नहीं, वो फैक्ट्री में मशीन बंद हो गई थी, तो सब ने कारीगरों ने जोर लगा दिया, तो ये मशीन टस से मस नहीं हुई, तो कोई इसका मैकेनिक बुलाया गया, उसने उसको देखा, नेगा थोड़ी मारी, मशीन खच 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 चलने लगी, 101 रुपए का बिल बनाया,
اور سیٹ کی راڑ نکل گئی, ایک ہتھوڑی کا 101. تو اس نے بولا کہ ہتھوڑی مارنے کا ایک ہی روپیہ ہے, اور کہاں ہتھوڑی مارنی اس کے 100 روپیے. تو کاریگر بہرحال کاریگر ہوتا ہے, تو یہ کہ دھوکہ نہ ہو, جھوٹ نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.